मिलकर भी उस घर में मत जाना। उस घर में एक आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो इंसान को खा जाती है। उस घर में जाना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। स्मिता, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाल मजदूरी एक गुनाह है, हमें जेल भी हो सकती है। बेवजह मत डरो तरुण। कौन बताएगा पुलिस को कि हम इसे यहाँ काम करवाने के लिए लाए हैं? और वैसे भी इस मनहूस घर में कोई काम करने को राजी नहीं है। तो तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है ना हमारे यहाँ काम करने की? जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बस मुझे वक्त में पैसे मिल जाएंगे ना? उसकी फिक्र तुम मत करो। हर महीने की 1 तारीख को तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। Oh no! वाणी! 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 मम्मी! वाणी! वाणी क्या हुआ? वाणी क्या हुआ? खून! तू अंदर चल, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। रुको! भूल कर भी कभी ऊपर मत जाना। क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो लड़की कौन थी? वाणी, मेरी बेटी। उन्हें क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इस घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है, समझी? और अगर नहीं समझी तो अब भी वक्त है, जा सकती हो। देखो अंजलि, मेरी बात समझो, वहां मत जाओ। और कोई चारा नहीं है मेरे पास लता दीदी। जब आशा और मोहन रात को भूखे पेट सोते हैं ना, तभी खुद से ही घिन आती है मुझे कि इनकी बड़ी बहन होके भी इन्हें पेट भर के खिला नहीं सकती मैं। मुझे जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। नहीं, समझ गई, आगे से कुछ नहीं पूछूंगी। जाओ, रसोई में जाकर सो जाओ। कल सुबह साफ सफाई करना। और हाँ, दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना, समझे? जी। जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। दीदी मत जाओ ना। पता नहीं आशा और मोहन किस हाल में होंगे। मेरे बिना सोने की आदत भी नहीं है ना उन्हें। आदत तो डालनी होगी। इस गरीबी को मिटाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये आवाज कैसी थी? घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है। दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। इसका सिर देखो, पीछे से फटा है। अगर ये आत्महत्या करता तो अपने मुंह के बल गिरता ना। लगता है इसे किसी ने धक्का दिया है। राइडर मोटिस बिल्कुल सेट हो चुकी है। तय मौत को 5-6 घंटे हो गए। छाती पे खरोंच के निशान है। लगता है हाथापाई हुई है। खुली के साथ हाथापाई के बाद शायद उसने धकेल दिया होगा नीचे। तुमने फोन किया था ना, तो बताओ यहां आने के बाद क्या देखा तुमने? उनके परिवार वाले कहाँ हैं? है ना साहब, उनकी पत्नी और बेटी वानी, पर उस समय कोई मिला नहीं। अरे तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा था साहब। मगर कोई मिला ही नहीं। एक काम करो, तुम लोग घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले लो। हम लोग टेरेस पर जाकर देखते हैं। तुम यहीं रुको, जाना नहीं। जी साहब। पंच, ताज को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। खून सीढ़ियों पर भी खून है। मरने से पहले तरुण घायल था। हो सकता है। फ्रेडी, खून के सैंपल लुटाओ, फोरेंसिक लैब भेज दो। चलो। यहां भी खून है। सर, हाँ? टूटी में चूड़ियां। ये क्या? ये देख, यहाँ पर भी चूड़ियां हैं और फिर ये जंजीरें। लगता है कहीं किसी ने यहाँ पर कोई जानवर को बांध के रखा था। ये प्लेट भी है खाने की। बाल भी जानवर का ही है। कहीं तरुण के सीने पे जो खरोंच के निशान थे, जानवरों के पंजे का तो नहीं? तो फिर सीढ़ियों पे जो खून मिला हमें, वो किसका है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा चक्कर है क्या। सर, टूटी हुई चूड़ियों से तो यही लगता है कि तरुण की बीवी और बेटी, इन दोनों में से किसी एक की झड़प हुई है उस हमलावर के साथ। पेपर वाले लड़के से फिर से मिलते हैं। एक बात बताओ, क्या तरुण जी ने यहाँ पर कोई जानवर पाल के रखा था? नहीं साहब, कभी देखा तो नहीं। कभी कोई आवाज सुनी हो जानवर की? पिछले 6 महीने से अखबार दे रहा हूँ, आज तक तो कोई आवाज नहीं सुनी। सर सब जगह देख लिया, ना तरुण की पत्नी मिली ना उसकी बेटी। मुझे तो डर है कि कहीं खूनी उन्हें अपने साथ ही ना ले गया। सर, तरुण और उसकी बीवी के अलावा एक नौकरानी भी रहती थी उसके कपड़े में। नौकरानी? तुमने तो हमें किसी नौकरानी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं किसी नौकरानी के बारे में नहीं जानता साहब। क्या हुआ, हवाई क्यों उड़ने लगी है? छाता पापा शुरू हो गया? क्यों अकला रहा है? यहीं पे बताओगे या बाहर घुमा के लाऊं तुझे? माफ कर दो साहब, मुझे नहीं मालूम था अंजलि को नौकरी दिलाकर मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ओह, तो तुमने रखवाया था उस नौकरानी को काम पे? हाँ साहब, कल उसके काम का पहला दिन था यहाँ। कल काम पे रखवाया और आज ये सब हो गया, पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में? साहब, अंजलि की उम्र 15 साल है, मुझे लगा बाल श्रम के केस में कहीं जेल ना हो जाए। नाबालिग बच्चों से काम करवाना कानूनी जुर्म है, ये तुम्हें मालूम है ना? तो फिर साहब, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, इसके सिवा उनका कोई नहीं है। रहती कहाँ है अंजलि? अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ है? दीदी तो घर में नहीं है। जयंती, अंदर जाके देखो। अंजलि कहाँ है? अंजलि, अंजलि कहाँ है मतलब? अरे तुम ही तो लेके गए थे सबके साथ। वो लौट के नहीं आई क्या? एक मिनट। पंकज, इन बच्चों को जरा वहाँ ले जाओ और वो तुम्हारे जादू वाले ट्रिक्स दिखाओ। हैं? यस सर। आप सर, अंजलि नहीं है सर। अरे कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है अंजलि को? और ये लोग कौन है? हम लोग CID से। और जिस घर में अंजलि काम करने के लिए गई थी, उस घर के मालिक तरुण कुमार का किसी ने खून कर दिया है। हे भगवान साहब, अंजलि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अंजलि लापता है तरुण के बाकी परिवार वालों के साथ। कहा था मैंने उसे, कहा था कि मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। अच्छा, ये अंजलि कहाँ गई होगी? कुछ पता ठिकाना है उसका? कि मैं नहीं जानती। चाल में तो बाकी लोगों को जानती होगी ना वो। रेडी, चाल के एक घर की तलाशी लो। पंकज को भी ले जाओ अपने साथ। एक मिनट सर, कहीं आपको अंजलि पे तो शक नहीं है ना? साहब, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा सब करने के लिए सोच भी नहीं सकती। जब तक वो मिल नहीं जाती कुछ कह नहीं सकते। सर, अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि खून पैसों के लिए किया गया है या किसी दुश्मनी की वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, अंजलि के बारे में कुछ पता चला उस चाल में से? नहीं सर, उस चाल में एक घर तलाशा हमने, मगर वो कहीं नहीं मिली। सर, इन लोगों की फोटोग्राफ टीवी और अखबार में तो दे ही दी है। हाँ, शायद उन्हें कोई पहचान ले और हमें पता चल जाए। अच्छा पूर्वी, तरुण के बारे में क्या डिटेल्स मिले? सर, तरुण अमेरिका से 3 साल पहले जिस घर में शिफ्ट हुआ था, वो घर उसके पिता के नाम पे। और उसके पिता? सर, वो अभी भी अमेरिका में है। लेकिन सर, तरुण के पड़ोसियों का कहना है कि वो किसी से घुलता मिलता नहीं था, शादी त्योहार के मौके पे भी कहीं आता जाता नहीं था। और फिर उस घर के बारे में भी तो अफवाहें हैं कि उसमें आत्माएं भटकती है। सर, वो पड़ोसी बता रहे थे कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती है घर में। अजीब अजीब आवाज है? कैसी आवाज है? मैंने तो सुना नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ सर, वो लता भी बता रही थी कि कोई उस घर में काम करने के लिए राजी नहीं होता, और अगर कोई राजी हो भी गया और काम करने लगा तो वो कभी वापस लौट के नहीं आया। अरे सर, इतनी खतरनाक जगह आप गए और डरे भी नहीं? बहुत बहादुर हो गए हो। बहादुर नहीं हो, अनजान था इस बात से, वरना उस घर में कभी नहीं जाता। सर, तरुण के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उसमें ये फाइल अजीब सी है। सर, क्या अजीब सा है इस फाइल में? सर, तरुण ने इस फाइल में अपने सारे रिश्तेदारों की डिटेल्स रखी है। सर, लोग बैंक की डिटेल और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की फाइल बनाते हैं, रिश्तेदारों की डिटेल की फाइल? वही तो सर, इसीलिए मेरा माथा ठनका। हो सकता है शायद कुछ कड़ी मिल जाए इसी में से। सर, तरुण का सिर्फ एक कजिन यहाँ मुंबई में रहता है, बाकी के सारे रिश्तेदार दुनिया भर में बसे हुए हैं। सर, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में। हाँ, तो इस मुंबई वाले से मिलते हैं, शायद ये कुछ बता सके। हाँ सारुण के बोल। सारुण के, तू कह रहा था कि तरुण की लाश में से तुझे रैट का डीएनए मिला? वो तो सिर्फ ट्रेलर था बॉस, असली पिक्चर तो आप देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, हमें ज्यादा सस्पेंस पसंद नहीं। ये देख रहे हो बॉस, ये इसकी छाती पर खरोंचों के निशान। अच्छा, तो इसमें है चूहे का डीएनए? मतलब या तो चूहे इसके शरीर पे तब चढ़े होंगे जब ये ऊपर छत पर था, या फिर इसके मौत हो जाने के बाद जब खूनी ने छत से नीचे फेंका उसके बाद। देखो बॉस, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसे छत से फेंकने से पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि इसके शरीर पर किसी तरीके का कोई निशान नहीं है जिससे पता लगे कि इसे पहले मारा गया है, सिवाय छत से फेंकने के। साउंड के मौत छत से गिरने से पहले हुई हो या बाद, एक बात तो पक्की है ना कि लाश के ऊपर चूहे चढ़े थे। सर, यहीं पे तो एक ट्विस्ट है। जरूरी नहीं है कि चूहों का डीएनए बॉडी पे चूहे के चढ़ने के वजह से आया हो। अरे तो फिर कैसे आ सकता है? बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इतनी देर से। उन जंजीरों में मुझे एक नहीं 2 डीएनए मिले, एक चूहे का और एक इंसान का। क्या क्या जंजीरों से चूहे को बांधा गया था क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, जो खून आप लोगों को उस घर के सीढ़ियों पे से और छत पे से मिला था, वो खून चूहे का था? नहीं भैया, वो खून तो इंसान का ही है, लेकिन उस खून में चूहे का डीएनए भी मौजूद है बॉस। यार एक मिनट, मतलब तुम दोनों का ये कहना है कि वो जो कोई भी है वो कोई जीव या कोई ऐसा प्राणी है जो चूहा भी है और इंसान भी? ये हम नहीं कह रहे, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है। क्या कर रहा है? सर मेरी मासी है ना सर, वो एक राक्षसी चूहे की कहानी सुनाती थी सर। वो मतलब कहानी नहीं है, वो सच है सर। और राक्षसी चूहे ने शहर पर हमला कर दिया सर। ये राक्षसी चूहे बहुत बड़े होते हैं क्या पंकज? अरे सर, बड़े नहीं, बहुत ताकतवर भी होते हैं, 8, 9, 10 फुट बड़े। और पता है, तरुण को एक राक्षसी चूहे ने टेरेस से फेंक भी दिया सर। अरे सर, देख सामने, एक बात बता, तुम लोगों ने जो टेस्ट किए हैं उसमें कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बॉस, कोई गलती नहीं हुई, 1 बार नहीं 5 बार चेक किया मैंने। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सीढ़ियों पे खून था वो तरुण का नहीं, वो उस जीव जानवर जो भी है उसका था? यानी कि वो जीव भी जख्मी हुआ है और उसी का खून वहां सीढ़ियों पे गिरा जब वो नीचे आ रहा था। माय गॉड, इसका मतलब है ये जीव, ये प्राणी घर से बाहर निकल चुका है, शहर में खुला घूम रहा है, और इससे पहले कि वो किसी को मारे हमें उसे रोकना होगा। अजीब ही चक्कर है ये। इसे छुपाने के लिए ये राक्षसी चूहे वाली अफवाह फैलाई गई है। सर, स्मिता और वानी की जान को भी खतरा हो सकता है। मगर उन तक पहुंचने के लिए अंजलि का मिलना बहुत जरूरी है। काम करते हैं, बाहर अच्छी तरीके से चेक करते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर। हाँ सर, कहने को तो तरुण मेरा चचेरा भाई है सर, पर अब भाईचारे जैसी बात ना बची नहीं हमारे रिश्ते में। क्या मतलब? अरे सर, ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। जब से तरुण भाई साहब और उनके परिवार वाले अमेरिका से आए हैं, उनके पैर तो जमीन पे ही नहीं टिकते। उन लोगों की नजर में हम लोग छोटे लोग हैं। नहीं सर, ऐसी को सर मैं बताती हूँ। पिछले साल हमारे बेटे रिंकू का जन्मदिन था, उस पे भी वो नहीं आए। 6 महीने पहले हमने अपने ननद की गोद भराई की रस्म की थी, उसमें भी नहीं आए। हम देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि भाई साहब पहले हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं उनके साथ रिश्ता रखने के लिए। प्लीज, भगवान के लिए तुम 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी सर, सर पर एक बात सच है कि जब से तरुण यहाँ वापस आया है ना, हमसे मिलने एक बार भी नहीं आया है। सर, एक वक्त था जब मैं और तरुण एक दूसरे को देखे बगैर खाना तक नहीं खाते थे। सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, इसमें तरुण कौन है? ये है ना तरुण सर। ओह, ये तरुण है। मगर इस तरुण के हाथ में तो 6 उंगलियां हैं। हाँ सर, तरुण की तो 6 उंगलियां हैं। सचिन, तरुण का फोटोग्राफ दिखाओ इन्हें। ये तरुण है? नहीं सर, ये तरुण की बीवी है स्मिता। नहीं सर, ये तरुण और स्मिता की बच्ची वानी। नहीं सर, कौन है लोग? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा सर। कभी नहीं देखा? नहीं। अच्छा, आप लोगों के पास इन तीनों की कोई रिसेंट फोटोग्राफ है? हाँ सर, मैं अभी लेके आती हूँ। प्लीज। सचिन, ये तो कोई बहुत बड़ा चक्कर है। और सर, ये देखिए। सर, अगर असली तरुण ये है तो फिर वो लाश किसकी थी और वो परिवार किसका? सचिन, वो लाश भी नकली और परिवार भी नकली। सर, खून के छींटे तो यहीं खत्म हो गए। एक काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। चलो। सर, सोना नहीं, लता के घर पे नजर रखना, समझी? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी और नींद की दुश्मनी तो ऐसी है जैसे गब्बर और ठाकुर की। दे दो। दो 3-3 दिन बिना सोए रह सकती हूँ सर। वो तो दिख ही रहा है। सर, ये लता खाना लेकर जा रही है, वो अंजलि के घर जा रही है, उसके भाई बहन को खाना खिलाने। सुनसान जगह पे कैसा मकान है? सर, अगर पेट में काटेगा ना 14 इंजेक्शन लगेंगे। हट मारो उसको, हट हट मारो। लकड़ी की बर्फी, लकड़ी की बर्फी सर। अरे पंकज, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, हमें क्या हुआ? हम तो छाती तान के अपनी ड्यूटी निभा रहे। हाँ, अरे अभी 2-3 कुत्ते हमसे डर के तुम दबा के भागे, है ना सर? बच्चे और लता घर के अंदर है। इनको यहीं पे रोक के रखना, किसी को अंदर आने मत देना। पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। चल, चल, चल। एक मिनट। संभाल के देखिए। बच्ची कहाँ? घबराओ मत, देख के आ जाओ। घबराओ मत, ठीक हो तुम। बचाओ, दीदी बचाओ। आप ठीक हो? हाँ ठीक हो बच्चे, रोना नहीं। दीदी बचाओ, बचाओ दीदी, दीदी बचाओ। सर, अरे आपके हाथ चल गए सर। नहीं कुछ नहीं, हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। घर में आग कैसे लगी? पता नहीं साहब, मैं तो इन बच्चों को खाना खिला रही थी कि अचानक घर के पीछे से आग की लपटें आनी शुरू हो गई। घर के पीछे? आपने किसी को देखा पीछे? हाँ साहब, अंजलि को। क्या अंजलि? मगर वो खुद अपने भाई बहन को आग में क्यों झोंक देगी? फ्रेडी सर? हाँ सर। सर उस तरफ तो ये यहाँ पे था, आने में थोड़ी देर हो गई, निकल गया यहाँ से। सर, अंजलि के घर में आग लग गई। क्या आग? आप जी नहीं, कुछ ज्यादा नहीं यार, छोटी मोटी चोट है। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, लता ने अंजलि को देखा था यहाँ आग लगने से पहले। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके घर के पीछे चल के देखते हैं। जी सर, आप ध्यान रखिए इनका। ये देखो, अंजलि यहाँ खड़ी थी जब लता ने उसे देखा अंदर से। सर, हाँ? ये देखिए, ये चूड़ी का टुकड़ा मिला। अरे ठीक है, ऐसे ही चूड़ी का टुकड़ा हमें तरुण के घर से उसके छत पे मिला था। मगर सर ये प्लास्टिक की चूड़ी है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। लगता है कोई जोर जबरदस्ती घसीट के ले गया अंजलि को यहाँ से। हाँ सर, वरना अंजलि क्यों अपने भाई बहन की जान खतरे में डालेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गई किस तरफ। सर ये घसीटने का निशान। ये देखो, चलो देखते हैं ये घसीटने का निशान कहां तक जाता है। यहां इस तरफ गया। एक मिनट, आधे कुछ पता चला? लगता अंजलि को इस तरफ कहीं ले जाया गया है। ठीक है, आसपास ढूंढते हैं। देखो कहीं वही जानवर तो नहीं जिसे छत पे बांधा गया था। श्रेया, एम्बुलेंस को फोन करो, इसका इलाज कराना होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ। उसे बचा लो। किसको बचा लो? अंजलि, उसने मेरी जान बचाई थी। कहाँ है अंजलि? वो लोग उसे। रुक जाओ। सीआईडी? अंकल मुझे बचा लो अंकल। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अगर आगे बढ़े ना तो ये लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ठीक है, हम आगे नहीं आते हैं, लेकिन तुम उसको छोड़ दो, कुछ मत करो प्लीज। ये गलत है, क्या किया इस बच्ची ने? छोड़ दो उसे। ए, छोड़ उसे। My God! अंजलि, पाइप मत छोड़ना। हाथ दो। मेरा हाथ छूट रहा है। घबराना नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। बचाओ। क्या करें? नीचे जाएं? नहीं नहीं नहीं, लोड ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस पाइप को खींचते हैं। पूर्वी। हाँ सर। पाइप को कस के पकड़ना, हाथ छूटना ना पाए। ओके, पकड़ो। संभाल के पकड़ के रखो, खींचो। पकड़ के रखना, हाथ मत छोड़ना। बस आजा, शाबाश। दीदी, तो ये सब उस आंटी ने किया है। छोड़ दो ना मुझे, तेरी वजह से मेरे पति की जान गई। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। नहीं, फेंक दो इसे। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। बहुत हो गई तेरी दादागिरी, चल। बहुत भाग लिया, अब हमारी सीआईडी गिरी भी देख ले। बोलो, क्यों बांध के रखा था आकाश को तुम लोगों ने? जायदाद के लिए। और जायदाद के लिए तुमने अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया? नहीं सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा, वो तो इस अंजलि की वजह से। वो आवाज के पीछे पीछे छत पर चली गई थी और फिर रुक, क्या कर रही है तू? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। चल यहाँ से। जिस आदमी को हमने छत पे बांध के रखा था, वो असली तरुण के पिता थे, मिस्टर आकाश। अक्सर उनकी याददाश्त चली जाती है, इस बात का फायदा हमने उठाया और उनके परिवार वालों की जगह ले ली। और आकाश के असली परिवार वाले कहाँ हैं? वो तो अमेरिका में थे और उनकी मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। यकीन नहीं होता है किसी इंसान के दिल में इतना जहर हो सकता है, पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है कोई। इसीलिए हमने अंजलि के घर में आग लगाई ताकि अंजलि वहां आए और हमें मौका मिले आकाश को कैद करने का और अंजलि को जान से मारने का। जितने घिनौने जुर्म किए तुमने, उसके सख्त से सख्त सजा अदालत तुम दोनों को देगी। सर, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये जिस दर्द से गुजरे होंगे, हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तेजी से अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं। क्या इन्हें अल्जाइमर है? बस कह रहा है तुषार, के इस हालत में इस बेचारे को जंजीरों में बांध कर रखा था छत पर। हाँ बस, क्योंकि ये बेचारे जंजीरों से बंधे हुए थे, अपना बचाव भी नहीं कर पाए उन चूहों से जो इन्हें काटते रहे। ओह, तो इसीलिए इनके खून में चूहों का डीएनए मिला था। बिल्कुल, और इनके जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं की गई थी, इसीलिए बस इनका खून बहता रहा जब ये सीढ़ियों से नीचे उतरे। सर, यकीन नहीं हो रहा, चंद पैसों के लिए कोई इंसान इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? वो तो श्रेया, ये अंजलि वहां पर थी, इसलिए इस नेक इंसान की आकाश की जान बच गई। अंजलि, बेटा वाकई तुम बहुत बहादुर हो। अंकल मैंने कौन सी बहादुरी की, वो तो मेरी जगह पे कोई भी रहता तो वही करता जो मैंने किया है। काश सभी लोग तुम्हारे जैसे होते, तुम जैसा करते। हम पूरी टीम की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहते हैं। अंकल आप मुझे वाकई में थैंक यू कहना चाहते हैं तो मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर सकती हूँ मैं। नहीं बेटा, अब ये सब काम तुम बिल्कुल नहीं करोगी। तुम बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाओगी, अच्छी पढ़ाई करोगी, बहुत बड़ी बनोगी। जाओगी ना? नहीं। क्यों? मेरे भाई बहन। बेटा तुम्हारे भाई बहन की जिम्मेदारी अब हमारी है, समझे? जाओगी ना? हाँ अंकल। गुड गर्ल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.